आज है वो दिन जिस दिन होने वाला है मामा स्वागत। तो मम्मी ने तीन चार अटैच किया, तीन चार बैग और इकट्ठा किया, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना पार्किंग लाइट्स ऑन करके चलते ताकि पता लगे भाई कौन वा है भाई, साथ में है सारी गाड़ियाँ। पूरी की पूरी फैमिली मिलेगी हमारे को विकास नगर। मामा जान के एंगेजमेंट है अभी तो। थैंक यू। अच्छा बर्थडे बॉम्ब्स मारेंगे तेरे पीछे बहुत जोर जोर। हां तक मैंने रिवील नहीं किया कि शादी कहां है, तो बेसिकली शादी होने वाली है। दिन आ ही गया सर। फाइनली उठ चुके हैं हम और तैयार हो चुके हैं हम, और आज है द डी डे। आज है वो दिन जिस दिन होने वाला है मामा स्वागत। सीन ये है कि आज हम यहाँ से जाने वाले जो जो लोग हैं वो है मैं, साहिल, साहिल का एक फ्रेंड है मयंक भाई, बाकी मामू, रोनी भैया, ये सब लोग हैं जो हमारे साथ जाने वाले। और सीन ये है कि सब अपनी अपनी गाड़ी में जाने वाले क्योंकि सामान इतना है शादी का, स्पेशली तो साहिल और मामू की गाड़ी में तो इतना सामान है ना। आज मामा स्वागत है भाई, तो आज डायरेक्ट हम निकले गए शादी की डेस्टिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले शिमला तक जाने का प्लान, वहाँ से हम सब लोगों को चखेंगे, वहाँ से फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो ऐसे ऐसे प्लान है, फिर आगे आगे आपको बताते रहेंगे क्या रहता है कैसा रहता है। तो सबसे पहले सुबह मैं सोच रहा हूँ अपने लिए पहले तो कॉफ़ी बनाता हूँ यार भाई। ये कुछ आखिरी आखिरी का सामान है जो चका है। एक मम्मी ने पापा की शर्ट बोली जो मुझे रात को 12 बजे मैसेज आएंगे पापा की ये वाली शर्ट चख ली, बाकी स्लीपर्स है बैग से अपने इक्विपमेंट्स वाले। तो गाइज ये कुछ थोड़े बहुत पैकेट्स है जो ले जाने थे मुझे, और डिक्की अपनी पूरी फुल है क्योंकि मैंने एक अटैची रख ली अपनी, साथ में थोड़ा बहुत और सामान है। अभी शिमला से और सामान आएगा जो मम्मी पापा लेंगे। पापा बोल रहे थे मम्मी ने तीन चार अटैची है, तीन चार बैग और इकट्ठा किया, तो सामान कम भर के लाई। तो गाइज फाइनली हमारी बाकी जनता भी आ गई, वहाँ पैकिंग करने लगी है। इशारा कर देना भाई आराम से, सॉर्टेड ना? सॉर्टेड। हाँ, और भाई ये है हमारे मयंक भाई, ध्रुव के दोस्त। वो देखो अपना धुले राजा वहाँ तैयार होके बैठे हैं, निकलने की तैयारी बस। अब रोनी भी पता नहीं कहाँ होगी। चलो धुले राजा। आज भाई एक्साइटमेंट अभी से चालू है यार, मतलब एक्साइटमेंट फील हो रही है अब कि हाँ भाई कुछ बड़ा बिगिन हो चुका है, हर चीज के लिए हम रेडी है। तो बस इसी तरह आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। देखो अपनी एक गाड़ी निकल चुकी है, एक गाड़ी पीछे से आ रही है। बहुत सारे एंजॉयमेंट होने वाला है इस पूरे ट्रिप में यार, इस पूरे दौरान, क्योंकि बहुत सारी हमारे इवेंट्स है, स्पेशल स्पेशल इवेंट्स है जो हम आपको दिखाएंगे। होपफुली आपको मजा आए। और ये मत बोलना यार कि रिपीट हो रहा है, अब देखो इतने सारे व्लॉगर है एक इवेंट में जा रहे हैं, तो सब रिकॉर्ड भी करेंगे बट अपने अपने पर्सपेक्टिव से करेंगे, वो जरूर देखना है अलग अलग पर्सपेक्टिव सबका। तो यही सुबह सुबह का ट्रैफिक भाई सबसे गंदा, साथ में हमारे को रोनी भैया ने भी ज्वाइन कर लिया। सामने का व्यू बताओ कैसा लग रहा है यार, और इस साइड को देखो अभी सनराइज हो रहा है ना, कैसा लग रहा है बताओ भाई, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पीछे से अपनी दोनों गाड़ी आ गई, टोल में थोड़े बिछड़ गए थे हम, टोल में मैं थोड़ा आगे हो गया था इनसे। अपना कॉन्वॉय सा चला है छोटा सा, दो तीन गाड़ियों का, मामू की गाड़ी भी है, पता नहीं मामू कहाँ रह गए, थोड़े आराम से आ रहे होंगे शायद। हम सब ने सोचा कि क्यों ना पार्किंग लाइट्स ऑन करके चले, तो देखो रोनी भैया ने भी ऑन किया, साहिल ने भी ऑन किया है, मैंने भी ऑन कर लिया। प्यारा लग रहा है इस टाइम, सुबह सनराइज हुआ है, बढ़िया बढ़िया रेस पड़ रही है, फ्रेश फ्रेश एनर्जी वाली भाई, और सारे चले हुए एक लाइन में, आराम से आराम से आराम से आ रहा। ट्रैफिक की चेक रुक जा, दूल्हे राजा रुक जा, आ जाओ आ जाओ दूल्हे राजा के साथ। मन्नी भाई कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आ गया, कैसे? पहली बार मुबारक हो मन्नी भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। कैसा भाई? ज्यादा चढ़ाई है, है? बैठ गया ना दूल्हे राजा, चले। मन्नी भाई कैसा चल रहा है आपका कॉलेज, ये बताओ यार। ठीक चल रहा है कॉलेज? क्या किया फिर आपने कॉलेज में मन्नी भाई? कुछ नहीं यार, है अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ना। हाँ तो बस अभी कॉलेज और हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। इसमें लग कैसा रहा है मन्नी यार मेरे को ये? बढ़िया सब, मतलब ठीक चल रहा है ना। तो गाइज अपना पहला स्टॉप आ गया स्टैक, तो सारे हम उतर चुके, मन्नी को हमने कलेक्ट कर लिया, तीनों गाड़ी अपनी लग चुकी है। तो बस सब खाते पीते क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने सुबह से किसी ने नहीं गए, सिर्फ कॉफ़ी पी के चले हुए। तो यहाँ मैगी और ग्रिल सैंडविच का ऑर्डर दे दिया है, साथ में कॉफ़ी, राजमा चावल खाने तो अभी अवेलेबल नहीं है सुबह सुबह।
धुआं निकल रहा है भाई मुंह से धुआं। यार अभी सुबह सुबह होगा नहीं। देखो भाई ये सब खा पी के हम फारिग हो सब निकलते हैं शिमला की तरफ। टाइम क्योंकि बहुत हो गया, टाइम ऑलमोस्ट हो गया 9:30। जल्दी जल्दी पहुंचना भी है क्योंकि हमारा जो एस्टिमेटेड डेस्टिनेशन पे पहुंचने का वो है अराउंड 12:30 तक हम पहुंच जाने चाहिए। तो भाई फाइनली शिमला तो हम पहुंच चुके हैं। टाइम दिखाऊं आपको तो 10:30 हो गए। एस्टिमेट वैसे हमारा 10 बजे का था बट चलो कोई जो ब्रेकफास्ट करने रुक गया ना उसमें टाइम लग गया, मगर कोई नहीं सही है सब। बाकी फोन आ रहे आए जा रहे कि कहाँ पहुंचे जल्दी आओ, जाना भी है। ठीक अभी सब हमारे को सारी पूरी की पूरी फैमिली मिलेगी हमारे को विकास नगर, फिर हम सारे साथ निकलेंगे आगे अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ। गेम शुरू हुई है अभी तो देखो 3 गाड़ियां थी है ना, अभी आगे 3-4 और जुड़ेगी, फिर और जुड़ेगी ऐसे ऐसे करके और जुड़ेगी। भाई ठीक रहा मन्नी सफर? बढ़िया मजा आया, शानदार रहा सफर। लोस कॉल्स भी थी कुछ एक बीच में। फाइनली विकास नगर तो हम पहुंच चुके हैं गाइस। थोड़ा कैमरा साफ कर दिया जाए, घर वालों का वेट, अब उनका इंतजार है कब तक वो आएंगे फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। हाँ जी ड्राइवर साहब बढ़िया चला गया, ठीक चल रहा है ना? ये निकल गया भाई, ये निकल गया इससे फूल देख सारे निकल गया। अरे परे यार तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा, खुद ही निकला, इस टैग से निकल गया था, बोलने आया तो था तुझे। बस रुकती है बाकी तो कुछ नहीं, बस को बोलते आज रहने दे यार, बोले शादी है, शादी है, दले दले राजा है आज हमारे साथ। चलो यार पहुंच गए टाइम से, पहुंच गए भाई, पहुंच गए, यहाँ से आगे एक घंटा और लगा रहे। तो यार अपने दूल्हे राजा और वही रोनी भैया वगैरह निकल रहे क्योंकि यार वहाँ भी तैयारियाँ करनी बाकी है, तो हम अपने घर वालों को लेते लेते अब धीरे धीरे करके आएंगे। अब सब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे करके, पता नहीं कितना टाइम लगाएगा, किसी को कुछ करना है किसी को कुछ करना है। अच्छी बात यह है कि मम्मी रेडी है, पापा देखो पापा सामने से आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ अभी मम्मी को लेने, सामान बहुत है। अभी देखो पापा लाए सेंटो, क्योंकि सेंटो लेके मुझे नीचे तक जाना है विकास नगर तक, मम्मी को लेके आना है, फिर सामान सारे इसमें अपनी ब्लैक पैंथर में शिफ्ट करके इसको खड़ा देंगे कहीं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम भी। तो गाइस ये देख सकते हो पहला बंदा है हमारे घर से, ये है अक्षय भाई, ये भी अभी सिर्फ एक बार ही सामान छोड़ने जा रहे हैं, अभी वापस इनको जाना है, फिर और सामान लाना है, फिर छोड़ना है। ये हेल्प कर लेता हूँ यार, भाई जी दाबो मत जाना यार सामान तले। क्यों अच्छा यार भाई जी कैसे बन गया? बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ। बहुत मुबारक हो आपको, आपको भी मुबारक है मामा जान के एंगेजमेंट है अभी तो। थैंक यू एकदम बात अच्छा भाई, गलत है क्या करें? तैयारी कैसे करेगा? यही तो टास्क है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे बताओ अपने कुफरी से वापस आना है या वहीं से नहीं वापस आना मुझे। ये देखना दादी, ये ऊपर हो जाओ रेडी। किसका बर्थडे बॉम्ब्स पड़ते हैं, सुन मत जाओ। अच्छा बर्थडे बॉम्ब्स मारेंगे तेरे पीछे बहुत जोर। हाँ देख ले, फिर घर पे मत बोलियो सूझगी। हाँ पाओ ठीक है भाई जी, हम तब तक क्रेटा वगैरह में शिफ्ट करते हैं सामान, ये गाड़ी भी लगानी है ठीक है। हाँ लेके आओ फिर चलते हैं। ठीक ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो ये है गाड़ी है अपनी सेंट्रो, ये भी छोटे शिमला खड़ाते हैं क्योंकि जब अभी हमें जाना पड़ेगा ऊपर, तो जी हमने अपनी सेंटो खड़ा दी है छोटे शिमला में पार्किंग में, क्योंकि अभी सीन कुछ बहुत ही बड़े बड़े सीन है भाई, दोनों गाड़ियों की ज़रूरत है। तो अभी फिलहाल ले जा रहे क्रेटा, अभी फिर सेंटो की टर्न भी आनी है, तब क्रेटा को यहाँ खड़ा देंगे सेंटो को ले जाएंगे। फुली पैक्ड डिक्की में सामान ही सामान है, यहाँ देखो सारी जगह सामान ही सामान है, और ये सारा है शादी का सामान, कुछ पहनने का कुछ गिफ्ट करने का कुछ भाई बहुत सारा सामान है भाई। अब एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे लोग इकट्ठा हो रहे हैं मिल रहे हैं सब कुछ हो रहा है, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, होपफुली आपको मज़ा आ रहा है। अभी संजौली से ऐसे टाइम पर आया गया भाई, आ गया ना, आप देखो रश ही रश है, लोगों का अलग रश है, गाड़ियों का अलग रश है, लोग तेने इनको जितना हॉर्न मारो जितना मर्जी हॉर्न मार लो। रेडी है आप लोग शादी के लिए हैं, मामा बन के जानने के लिए? इसलिए तो पापा हैं, जिनकी तैयारी बस अभी एक दो दिन हुई है सर। कटिंग भी कल रात को करवाई। बोलो जो एंड मोमेंट में तैयार हो रहे लेते नहीं है नहीं जरूरी है यार, अभी हमारे को बगीचे का काम करवाने का ही काम है, तो हर एक चीज के लिए छुट्टी लगती है। रिटायरमेंट ट्रू दैट 26 साल से सुन रही हूँ, मैंने तो कभी ना रेस्ट करने के लिए छुट्टियां नहीं ली। गाइस वी आर हियर,
हमारी मेन डेस्टिनेशन पे जहाँ होने वाली शादी, शादी की पूरी प्रिपरेशन सब कुछ भाई। देखो अभी तक मैंने रिवील नहीं किया कि शादी कहाँ है, तो बेसिकली शादी होने वाली कुफरी में भाई, एक होटल में जिसका नाम है स्टर्लिंग। ये अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ लगी अपनी ब्लैक पैंथर, ये रोनी भैया की थार, ये मामू की गाड़ी, वो साहिल की गाड़ी परे, तो ये अपनी गाड़ी लग चुकी है भाई, तीनों की तीनों। अभी और गाड़ी आएगी तो वो भी लाइन में लग जाएगी। तो यहाँ से व्यू है ना भाई, वो एक नंबर है जो मैं आपको दिखाऊं। सामने ही दिखती है भाई हिमालयस, क्लियरली एकदम एकदम क्लियरली हिमालयस दिखते हैं भाई। इतना सुंदर व्यू आता है आजकल, क्या ही बताओ। गर्मी का इंतजाम इसमें तो नहीं, ठंड का बैंक्वेट हॉल, क्या बात है, तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा है। और सामने भाई ये देखो, ये है बैंक्वेट हॉल और यहाँ से सामने है व्यू, बाहर जा गई, सामने मिलता है आपको व्यू, ये देखो। नमस्कार जी, कैसे जी? ऐसे ऐसे गुंडे हैं मेरे पास जो किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। और ये ठीक है दादी, पहुंच गया आप है देखने तू है, चलो दिन आ ही गया सर। तो ले राजा कहाँ जा रहे हैं आप? जरूरी है, जरूरी, शाबाश शाबाश, चलो ठीक है शाबाश। सारी अरेंजमेंट्स ऑल, ये ठीक हो तू है, तो